क्या मैं जीरो बजट पे भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं? भाई मेरे तरफ से तो बिग नो है। आप जीरो बजट पे कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो। स्पेशली अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे आप बिजनेस बिल्कुल लो बजट या फिर जीरो बजट पे शुरू नहीं कर सकते हो। जीरो बजट पे कोई डिफरेंट बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई सर्विस इंडस्ट्री वो क्रिएट कर सकते हो, बट अमेजन फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते हो। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी आप कर सकते हो। उसके लिए अगर आपके फैमिली और फ्रेंड में कोई भी सेलर है या फिर कोई सेलिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट पे, तो आप उसके साथ टाई अप करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट दोस्तों, अगर आप जीरो बजट पे बिजनेस शुरू करोगे तो 99% आप उसमें फेल हो गए। तो लो बजट या फिर नो बजट पे आपका पहला इश्यू होता है आपका कैश फ्लो। बिकॉज मार्केट प्लेस पे अगर आप एंट्री करते हो, आपको और आपके हाथ में कैश फ्लो है ना, बहुत जरूरी है। बिकॉज अमेजन फ्लिपकार्ट पे जितना भी सेल आपका होगा, वो सारे का पैसा आपको 15 दिन के बाद ही मिलेगा। तो वो 15 दिन के लिए आपके पास बैकअप कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। आपको उसको रोटेशन भी करना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया, तो उसमें मैक्सिमम केसेस वो आपको चीट कर लेंगे, वो आपको सबसे ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे, और एट द एंड आपको क्या मिलेगा? नथिंग। और स्लोली स्लोली आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा, क्योंकि आपने किसी और का प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो और आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो आपका इंटरेस्ट लेवल जब घट जाएगा, आपका बिजनेस भी विद इन 2 to 3 month शटडाउन हो जाएगा। तो अब आपको लो बजट पे बिजनेस शुरू कैसे करना है, राइट? तो दोस्तों, आप नो या फिर लो बजट पे पहली बात है बिजनेस नहीं कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट 20 to 30 thousand मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, अगर आप सबसे कम पे लेके चलो। और आपके हाथ में हमेशा एक्स्ट्रा मनी बैकअप रखो। बिकॉज सपोज आपने 30 thousand इन्वेस्ट कर दिया एक प्रोडक्ट के पीछे, अब 15 दिन में वो प्रोडक्ट आपका सोल्ड आउट हो गया, राइट? अब नेक्स्ट 15 डेज बाद ही आपको अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पे आउट रिलीज करेंगे जो आपका सेल गया होगा। तो वो जो 30 thousand आपको तो फिर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो वो मनी आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। और हमेशा कोशिश करना आपके लोकली ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप बहुत दूर जाके प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, तो आपके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और आप बिजनेस शुरू करने से पहले ही डूब जाएगा। और जितना भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप सेम प्रॉफिट को फिर से अमेजन फ्लिपकार्ट पे री इन्वेस्ट करो। मतलब री इन्वेस्ट हर महीने उसको करते जाओ, जब तक आपके पास एक बड़ा अमाउंट ना बच जाए। और दोस्तों, कभी भी अपना बिजनेस 6 month से पहले शटडाउन मत करो, उसको रनिंग करते जाओ। बिकॉज 6 8 महीने बाद डेफिनेटली आपका 20 thousand भी 2 3 लाख में पहुंच जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने तक स्टिक रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपको लो बजट पे भी बिजनेस शुरू कर पाओगे, अदरवाइज आप इस मार्केट प्लेस पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स पे जाके बता दो। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए तो यार कमेंट पे भी लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।